राधा स्वामी सहाय, तारीख 4/2/70, श्री गुप्ता जी के मकान पर परमदयाल जी के प्रवचन। कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया, क्या किया, किसने भेजा, ऐसा दिमाग के अंदर खराबी छोटी उम्र से आई थी। हिंदू था, ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, रामायण महाभारत या दीगर हिंदू धर्म के संस्कारों से राम कृष्ण देवी देवता विष्णु शिव ब्रह्म पार ब्रह्म वगैरह के लफ्ज सुनता एक जज्बा पैदा हुआ था उस अपने जहां से मैं आया हूं, जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे पैदा किया है, उसको मिलने का। मेरी किस्मत या बदकिस्मती मुझे नहीं मालूम, इस जज्बे के जेरे असर मुझे दाता दयाल महर्षि तिब्बत लाल जी की रात पाक के चरणों में दे गई। उन्होंने उस मालिक के मिलने के लिए ये मुझको नाम जान दिया था। क्या कहा था, चल चल बच्चा सूली, रब भली करेगा। वो सूली क्या थी, सहजल कवल तो रंग, त्रिकुटि तो रंग, सुन तो रंग, महासुन तो रंग, पवर गुफा तो रंग, सात लोग तो रंग, अलख लोग तो रंग, अगम लोग तो रंग, अग्ग तेरा रब मिलेगा संग। इसको दूसरे लफ्जों में ये कहता हूं, अनेकवाद से निकल द्वैतवाद, त्रिपुटीवाद से निकल द्वैतवाद से निकल, एकवाद से निकल, अग्गे सत पद है। फिर अगो सत पद जो अग्गे निकल अलख अगम। मैंने अपनी जिंदगी में जहां तक मुझसे हो सका मैंने इस रास्ते पर चलने की कोशिश की, क्योंकि मेरा विश्वास दाता जाल महर्षि की जात पर था, उनसे प्रेम करता था, उनकी आरतियां करता था। जब तक उनसे बाहर में प्रेम करता था, वो कहा करते थे, तू अभी काल माया से नहीं निकला। मैं उनका अनुरानी रूप अंदर देखा करता था, वो रूप मेरी मदद किया करता था, बातें किया करता था, मगर मुझको इसी चीज की तलाश फिर भी रहती। दाता दयाल ने मेरे इस तलाश को खत्म करने के लिए ये गुरु पदवी दी थी। इस गुरु पदवी पर आने से जब सत्संगियों ने मुझे ये कहा कि मेरा रूप उनकी सूरतें चढ़ाता है, दुआएं बताता है,
मरते समय ले जाता है, पुत्र देता है, बाहर में भी जागृत में भी देखते हैं, स्वप्न में भी देखते हैं, और मुझे कोई इल्म नहीं होता, तो मैं मजबूर हुआ ये मानने के लिए कि जो रूप रंग मेरे अंतर पैदा होते थे, जो शक्लें बनती थीं, ये तो मेरी अपनी बनाई हुई थी, मेरा विश्वास था। मालिक कहाँ है? तो फिर मैंने रूपों को छोड़ा, आगे गया, आगे प्रकाश का मंडल है, रोशनी है, नूर है, नूर में शब्द है, आनंद मैंने दिए, मगर सच कहता हूं, रोशनी नूर और शब्द को सुनने से आनंद मिला, खुशी मिली, मगर कोई कुरीद मेरे अंतर बाकी है। जो मेरा अपना जो मैं है वो कुछ बाकी चलता रहता हूं। अब क्या चाहता, ये शरीर छूटे हमेशा के लिए, मन छूटे हमेशा के लिए, ये प्रकाश और शब्द छूटे हमेशा के लिए, जब तक ये चीजें मेरे साथ मौजूद हैं, मुझको वो जो वहां से मैं आया था वहां ले जाने में सज्जे राह हो रही है, ये मेरा अनुभव है, अपनी जिंदगी की रहनी का अनुभव है। मैंने प्रण किया, यही दाता जाल कहते हैं, पढ़ो को की क्या कहते हैं, दम के दम का मैं हूँ मैं मां, दम ये दम के साथ है, दम के दम का मैं हूँ मैं मां, दम ये दम के साथ है, दम में दम मिल जाए, दम 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 के हम दम हाथ है, दम में दम मिले जाए, दम 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 के हम दम हाथ है, दम के दम का मैं हूँ मेहमान, दम ये दम के साथ है। मेहमान तो मैं ही नहीं, सारे ही मेहमान हैं। एक तो इस दम का मेहमान, ये जो सा आता है, ये अगर सा रुक गया तो जिस्म गया। एक मन का सा है, मन का सा केड़ा, संकल्प उठना, संकल्प का उठना मन का सा है, जब संकल्प उठना सा मेरा बंद हो जाऊगा, जिस्म खत्म हो जाऊगा, जिस वेले मन दी फुरना बंद होगी मन खत्म हो जाऊगा। वो कहते हैं पर्वत कड़ी को, दम के दम का हूँ मैं मेहमान, दम ये दम के साथ है, दम में दम मिले जाए, दम 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 के हम दम हाथ है, जो असली दम है वो दम के साथ मिल जाए। असली दम क्या है,
वो जो मैंने कहा शब्द और प्रकाश का मंडल है, शब्द जो है वो दम है उसका, जिसको अकाल पुरुष अनामी पुरुष परम तत्व कहते हैं, जिसका न रूप है न रंग है न वहाँ शब्द है न वहाँ प्रकाश है, उसका दम है शब्द ब्रह्म, शब्द ना। यही गाता कहते हैं, फिर पढ़ो उस कड़ी को। दम के दम का मैं हूँ मेहमान, दम ये दम के साथ है, दम मिल जाए दम दम, दम के हम दम हाथ है, दम के हम दम हाथ है। जो उस शब्द के साथ रात रहती है उसके हाथ में है दम। कौन दम? शब्द जो मेरा असली दम है, ये तो सा जो मेरा है ये जिस्म का दम है, संकल्प जो है ये मेरे सूक्ष्म शरीर का दम है, प्रकाश जो है ये मेरी आत्मा का दम है, शब्द जो है ये मेरे अपना दम है, मेरी जात का दम है। आगे सांस प्राणों में मिले और प्राण मेरी सांस हो, जिसमें जल कर खाक हो, जिस मानियत को सारी खो। ये आरजू है प्राण प्राण से मिले, दम और प्राण एक ही चीज है। हमारा जिस्म का प्राण निकल जाएगा, जिस्म चला जाएगा, मन का प्राण संकल्प है वो चला जाएगा, जब प्रकाश खत्म हो जाएगा, आत्मा खत्म हो जाएगा, जब शब्द खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये जब जाएगा तो इससे मैं किस नतीजे पर पहुंचा? जब तक जिंदगी है किसी की, ये जो कुरीद है अंतर में किसी चीज किसी जगह जाने की, ये खत्म नहीं हुई मेरी, मुझे नहीं पता किसी और महात्मा की हुई हो या ना हुई हो। दाता जाल अपनी तारीर में उसी कैफियत का बयान कर रहे हैं जिस कैफियत का मैं बयान कर रहा हूं। मैंने पेन किया था अपना अनुभव, कह जाऊंगा, कहता हूं, ए इंसान जब तक जिंदगी है जिंदगी की कुरीद किसी की खत्म नहीं होती। किसी की जिस्मानी जिंदगी की कुरीद रही, किसी की मानसिक आशाएं रही, किसी की आत्मा आनंद की ख्वाहिश रही, किसी की शब्द या प्रकाश की ख्वाहिश रही, जब तक है ये अपने मेरे बस में नहीं मालूम होता और न शायद दाता जाल के अपने बस में है। अगर उनके अपने बस में होते तो ये आरजू न करते जो इस खत इस शेर में लिखा हुआ है। आगे राधा स्वामी धाम को परवाज रू मेरी करे, राधा स्वामी धाम को परवाज रू मेरी करे, गुर के चरणों से मिलूं चरणों में अब विश्राम हो, गुर के चरणों से मिलूं चरणों में अब विश्राम हो। ये कब मिलेगा दायमी विश्राम? जब शरीर छूट जाएगा, मन खत्म हो जाएगा और नूर भी खत्म हो जाएगा, एक शब्द रह जाएगा, पता नहीं मेरा रहता है कि नहीं रहता। ये मेरी अवस्था है। तुम लोग आ जाते हो, मैं सच कह रहा हूं सत्संगों से, अब मैं दुखी हुआ हूं।
क्यों, मैं कहां का रहने वाला, तुम कहां के रहने वाले, मैं कहां का रहने वाला, तुम कहां के रहने वाले, मेरे लिए अब मुश्किल हो रही है कि तुम्हारे साथ लेवल पर आकर तुमको अपलिफ्ट करूं। दूसरे तुम अपलिफ्ट होने के लिए नहीं आते मेरे पास, तुम तो तन के बंधन, मन के बंधन में जकड़े हुए हो। तबीयत में उपराम आया हुआ है, मगर अपने बस की बात नहीं। तो अगर कोई शख्स इस घर जाना चाहता है, उसमें कौन रुकावट डालता है? माया और ब्रह्म। कोई समा था जब ये बानिया राधा स्वामी मत की पढ़ा करता था, दिल में गुस्सा आया करता था, कई दफा प्रार्थना किया था, ऐ मालिक मैं तो घर जाना चाहता था, कहां तूने मुझको फंसा दिया, जो ये कहते हैं ये ब्रह्म भी वेदांति भी काल मत में रहते हैं। तुम ही सोचो, एक ऐसे आदमी को जो सनातन धर्म में पैदा हुआ हुआ हो, उसको संस्कार सनातन धर्म का हो, उसको ये कह दिया जाए कि भाई ये सब के सब गलत हैं, अधूरे हैं, कोई नहीं पहुंचा, तो उसके दिल को कितना सदमा होगा। क्योंकि मेरा विश्वास था दाता पर, वो तुम मेरा टूटा नहीं, तो ये बानी मुझको भेद नहीं देती, इसलिए मैंने जिंदगी में स्ट्रगल की। माया का शब्द निकालो, माया महाठगनी हम जाने। रस्ते में मेरे घर जाने के लिए जो चीजें रुकावट करती हैं वो माया है। पढ़ो। माया महाठगनी हम जाने, माया महाठगनी हम जाने, तेरे अब माया क्या हुई? माया दाता दयाल ने हजार हा किताबों में माया की डेफिनेशन की है। माँ के मैंने मापना, या के मैंने यंत्र, जिससे कोई चीज मापी जाती है उसका नाम माया है। तो किस चीज से मापी जाती है? बुद्धि से। बुद्धि के भी एक रूप नहीं, बुद्धि नाम है डिस्क्रिमिनेटिंग पावर का, जो तमीज पैदा करती है। एक तो हमारी अकल है, ये जो विवेक हमारे अंदर पैदा होता है, समझ, ये भी तो किसी चीज की निर्णय करती है, इस वास्ते विवेक भी माया में है, ज्ञान भी माया में है, और विज्ञान भी माया में है, और अनुभव भी माया में है।
क्योंकि अनुभव में भी ऐसी डिस्क्रिमिनेटिंग पावर होती है जिसको कोई बयान नहीं कर सकता। विज्ञान में भी डिस्क्रिमिनेटिंग पावर होती है जिसको कोई करता है बयान, मगर थोड़ा। ज्ञान को बयान कर सकता है, विवेक को भी आदमी बयान कर सकता है, और मामूली अकल को तो तुम जानते ही हो। मेरी ये माया नहीं जाती थी, पहले तो मोटी माया है ये संसार, मेरा पुत्र, मेरी औरत, मेरी जायदाद, ये तो खैर छोटी उम्र से मुझे समझ थी कि नहीं थी, मगर वो जो मेरे अंतर में सूक्ष्म माया थी, मेरा ईश्वर, मेरा गुरु, वो जो रूप प्रकट होते थे उनके साथ जो मेरी मोह था, आज दाता दाल का रूप प्रकट हो गया, आनंद आ गया, आज कोई अच्छी सीनरी देख ली, आनंद आ गया, ये नहीं जाती। ये गुलाई खत्म की मेरी कृषक ने, कमालपुर वाली माई ने, या उन सज्जनों ने जिन्होंने मुझे ये लिखा, बाबा हम तुमको अपने अंतर में रोशनी के भंडार में, रोशनी के पद्म के फूल पर बैठे हुए देखते हैं, तुम्हारे दाढ़ी से किरणें निकलती हैं, आंखों से रोशनी निकलती है, क्योंकि मैं नहीं था। इसलिए मैं कहा करता हूं, मेरे सतगुरु आप सत्संगी हैं। जब दाता ने ये काम दिया था, मैं मुतलासी था उस मालिक के घर का, तो उन्होंने कहा था, तुझको सच्चा सतगुरु राधा स्वामी दयाल का सत्संगियों के रूप में दर्शन देगा, तो आप लोगों की बदौलत मैं इस माया के रूप को समझ सका। क्या मैं अब जो कुछ मैं अपने अंतर देखता था, नूर, प्रकाश के दरख्त, प्रकाश की लीलाएं, प्रकाश में दाता दयाल का रूप, सतगुरुओं का रूप देखता था, उनको सत मानता था, तो क्या इस तजर्बे से जो मुझको हुआ आप लोगों से, मैं उसको माया मानने के लिए मजबूर नहीं हूं? मजबूर हूं कि नहीं हूं? मजबूर हूं। तो मेरी तो माया ये इस तरह से गई, गो अभी तक मैं माया से बिल्कुल निकला नहीं हूं। तभी तो मैंने कहा, पहली शब्द पढ़ो, दम में दम। तभी तो मैं चाहता हूं अब ये क्रेवर छूटे, दम के दम में, दम के दम का मैं हूँ मेहमान, दम ये दम के साथ है, दम के दम का मैं हूँ मेहमान, दम ये दम के साथ है, दम में दम मिले जाए, दम 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 के हम दम हाथ है, दम के दम मिले जाए, दम 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 के हम दम हाथ है, सांस प्राणों में मिले और प्राण मेरी सांस हो, सांस प्राणों में मिले और प्राण मेरी सांस हो, जिसम जल कर खाक हो, जिस मानियत को सारी खो, जिसम जल कर खाक हो, जिस मानियत को सारी खो। अब तुम्हारा मेरा मेल कैसे हो? तुम जिंदगी के प्रस्तार, मैं जिंदगी से बेजार। तुम इस जीवन के ख्वाहिशमंद,
और मैं इस दुनिया इस जिंदगी को छोड़ने का ख्वाहिशमंद, तुम्हारा लोगों का मेरा कैसे मेल हो। इस वास्ते मैं कहता हूं कि मैंने पिछले जन्म में महापाप किए हुए थे, मगर वो पाप ऐसे थे शायद शुभ भावना लिए हुए हूं, जो इस उम्र में मुझको मेरा कर्म भोग जो था, तुम्हारे लोगों का कोई कसूर नहीं। मेरी अपनी वासना थी कि जो कुछ मेरा अनुभव होगा मैं कह जाऊंगा, अपनी माया में मैं आप फंसा हुआ हूं, किसी पर एहसान करता हूं। तो ये माया है, ये भी मैं पाषण दिया जाता हूं, अपने कर्म भोग बस। मैंने प्रण किया था कि इस रास्ते चलूंगा, जो कुछ मेरा अनुभव होगा संसार को बता जाऊंगा, ये मेरा अनुभव है। ये माया थी, मुझे ही नहीं, इस माया ने ऋषियों को मारा, इस माया ने गुरुओं को मारा, इस माया ने संतों को मारा। जितने हम लोग गद्दी पथ हैं और गद्दियों की चाह रखते हैं, ये माया में है। खाए वो राधा स्वामी मत वाले हैं, खाए वो नानक पंथ वाले हैं, खाए वो दादू पंथ वाले हैं, खाए वो सनातन वाले हैं, खाए वो वेदांती हैं, ये है क्या? माया। माया के सवार कुछ नहीं। वो भी पढ़ो, वो माया का सवार। माया महाठगनी हम जाने, तेरे गुण पास लिए कर डोले, तेरे गुण पास लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। अब मधुरी वाणी क्या है? हम राग गाते, प्रेम से राग गाते, तीरे मुखान राग गाता है, भगत जन गाते, वो मधुरी वाणी है क्या? माया। अच्छा, तुम घंटा सुनते हो, मधुर मधुर सुनते हो, ओम ओम की तुम सुनते हो, रारंग सारंग सुनते हो, मुरली सुनते हो, बीन सुनते हो, मधुरी वाणी है ना? वो मिठास ही लेते हो ना अपने अंतर में, उस मसाज की चाय में ही कानों में दो दो घंटे उंगलियां मैं भी डालता हूं, तुम भी डालते हो। ये है मधुरी वाणी माया की। उसे कांखे खोल, तुझको गुरु पदवी दी थी तेरे अज्ञान को मिटाने के लिए, क्योंकि तेरी वजह से तुम लोग मेरा अज्ञान दूंगा, ख्वाहिश थी कि तुम लोगों का भी अज्ञान दूर हो जाए। आगे केशव के कमला हुए बैठी, केशव के कमला हुए बैठी, शिव के भवन भवानी, शिव के भवन भवानी, माया ठगनी। क्यों ठगनी? ये जितनी ताकतें हमारे अंतर में काम करती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ये हमारी सूरत को अपनी तरफ खींचती हैं। वहां हमको आनंद मिलता है, रस मिलता है, नहीं समझ में आती है ना? क्योंकि यहाँ रस मिलता है, ये रस जो है ये सूरत को ऊपर नहीं जाने देता, अपने घर में नहीं जाना देता, यह ठगनी है। इस ठगनी का रूप नहीं पता लगता था। मुझे ख्वाहिश थी अपने घर जाने की, मगर ये रास्ते में रुकावटें थी। दाता जाल ने बड़ी दया कर दी, इन रुकावटों के दूर करने के लिए, इस माया का रूप बताने के लिए मुझे ये गुरु पदवी मिली थी। मैं ना गुरु हूं ना चेला, ना संत हूं ना असंत हूं, ना योगी हूं ना अयोगी हूं,
ना रोगी हूँ ना भोगी हूँ और ना ही सोगी हूँ, ना साधु हूँ ना महात्मा हूँ, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? दाता का शब्द निकालो, भरोसा तेरा है तेरी आस मन में, लगा रहता हूँ तेरे सिमरन भजन में, भरोसा तेरा है तेरी आस मन में, लगा रहता हूँ मैं सिमरन भजन में, यही है यतन और यही काम मेरा, न व्यापा मुझे काल का हेरा फेरा। निकला है, है? निकालो, मैं कौन हूँ? ये दाता की दया से पढ़ो क्या कहते हैं। भरोसा तेरा है तेरी आस मन में, लगा रहता हूँ तेरे स्मरण भजन में। किसके भजन में? वो जो मेरा आद मालिक है, जो मायातीत है, जो नूर और प्रकाश के परे का रहने वाला आद कर्ता पुरुष है, आद अनाम है, जुगाद है, उसके भजन में लगा रहता हूँ। आगे, यही है जतन यार यही काम मेरा, जपा करता हूँ रात दिन नाम तेरा, तेरी मौज में रह के जिस दिन सुखी हूँ, नहीं भय न चिंता न जग से दुखी हूँ, खुले आँख से तेरा दर्शन जो पाया, मिटे सहज में मान मद मोह माया। इन खुली आँखों से दाता दयाल के दर्शन किए थे, उन्होंने कहा था तुझको पार ले जाने वाले सत्संगी सदगुरु का रूप धारण करके आएंगे, तो जहाँ दाता दयाल के दर्शन किए, साथ ही सत्संगियों के दर्शन किए, तब ये हालत मुझ में आई। आगे, ना जोगी ना साधु ना ज्ञानी बना मैं, ना भोगी ना साधु मानी बना मैं, जो था पहले अब भी वही रूप मेरा, न व्यापा मुझे काल का हेरा फेरा, न जाता न सोया न सुषुप्ति में आया, नया सा निराशा के भय ने सताया, नहीं ब्रह्म माया का न उलझा सका कर्म का बंद मुझको, सहज रूप है और सहज कर्म बानी, सहज में सहज की सहज हूँ निशानी, सहसदा अनेका त्रिकुट की त्रिपुटी, दशा द्वैत की सुन में भी न प्रगति, महाशून्य अद्वैत का भाव छूटा, भंवर में नहीं काल माया ने लूटा, अलख हूँ या गम हूँ अनामी बना हूँ, कहूँ कैसे कैसा कहाँ यार क्या हूँ, गुरु राधा स्वामी ने आकर जिताया मेरा रूप मुझको सहज में लिखाया, भरोसा तेरा है तेरी आस मन में, लगा रहता हूँ तेरे सुमरन भजन में। तो ये सब माया का जो जाल था कैसे छूटा,
ये मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊंगा। इसको छुड़ाने वाले तुम सत्संगी हो, तो वो कबीर कहता है पढ़ो उसको माया आगे केशव के कमला है बैठी, केशव के कमला है बैठी, शिव के भवन भवानी, शिव के भवन भवानी, माया महाठगनी हम जाने, क्यों पंडा मूर्त को अपने मन की बुद्धि से कुछ मानकर उसकी सेवा करता है, क्योंकि उसकी अपनी बुद्धि जिसकी मिनेटिंग पावर ने उसको अपना इष्ट बनाया, इसलिए वो भी माया है। तीर्थ को हिंदुओं ने गंगा को तीर्थ समझा, मुसलमानों ने मक्के शरीफ को तीर्थ समझा, वो भी उनकी माया थी, वो भी उनकी माया थी। आगे अमीर आदमी दौलत को दिल देता है, वो भी माया। सन्यासी दौलत का त्याग करता है, वो भी माया। एक आदमी दौलत के पीछे दौड़ता है, वो भी माया में है। एक आदमी दौलत से पीछे भागता है, वो भी माया। कौन समझेगा मेरी बात को पीरे मुगान? मगर मेरा कर्म था कि अपना अनुभव कह जाऊंगा। आगे भगतन के भगतन होए बैठी, भगतन के भगतन होए बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। भगत भक्ति करता है, अपने ही मन के संकल्प से किसी को भगवान मान के भक्ति करता है ना। ब्रह्मा अपने मन के संकल्प से रचना करता है, वो भी माया है। योग विशिष्ट साबित करता कि ब्रह्मा भी कल्पित है। आगे अब जब ये हालत है, फिर हम जीवन कैसे गुजारें? मुझे नहीं पता। मैं अपनी बाबत जानता हूँ कि मैं कैसे गुजारता हूँ।
मुझे यकीन हो गया कि ये सब माया है। अपनी सूरत को वो जो माया के कुल है, वो परम तत्व आधार जिसको राधा स्वामी मत वाले राधा स्वामी कहते हैं, गुरु नानक ने अकाल पुरुष कहा है, हिंदुओं ने परम तत्व, उसका भजन करता रहता हूं। ये समझता हुआ कि ये सब दुनिया माया है, उसकी मौज है, आस रखे बैठा हूं। कब? दम के दम में पढ़ो, दम के दम में, इतने में शब्द निकाल लो, ए जगन्नाथ विशाला साधो, ए जगन्नाथ विशाला, दम के दम में, दम के दम का मैं हूँ मेहमान, दम ये दम के साथ है, दम के दम का मैं हूँ मेहमान, दम ये दम के साथ है, दम में दम मिल जाए, दम 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 के हम दम हाथ है। ये ख्वाहिश रखता हूँ, अगली कड़ी, सांस प्राणों में मिले और प्राण मेरी सांस हो, सांस प्राणों में मिले और प्राण मेरी सांस हो, जिसमें जल कर खाक हो, जिस मानियत को सारी खो, ये आरजू रखता हुआ, ये ख्वाहिश रखता हुआ, अपनी सुरत से अपना इष्ट, वो राधा स्वामी दयाल, राधा स्वामी मत के लफ्जों के मुताबिक गुरु नानक, वो अकाल पुरुष हिंदुओं के मुताबिक, वो वहां की आस रखता हुआ दुनिया में कैसे जीता हूं, कैसे गुजारा करता हूं, ये जगन्नाथ की शाला साधो, ये नाटक शाला, ये समझता हुआ कि ये जगत जितना है सारा दुनिया, ये एक नाटक शाला है, तमाशा है। पढ़ो, ये जगन्नाटक शाला साधो, ये जगन्नाटक शाला, जगन्नाटक शाला साधो, ये जगन्नाटक शाला, राजा रंक फकीर औलिया गृहेव क्षेत्र विशाला, राजा रंक फकीर औलिया गृहेव क्षेत्र विशाला, कोई ओढ़े शाल दुशाला, कोई सिर कंबल काला, कोई ओढ़े शाल दुशाला, कोई सिर कंबल काला, सूरत ने अद्भुत भेष बनाए, नाच नाच रसाला, नाच करता था ना, अज्ञान था जब तक, माया समझ के उसके साथ खेल खेलता था। ये शब्द दाता दयाल का है, मेरे नाम 1921 का, उस वक्त का उनका संस्कार दिया हुआ आज रंग ला रहा है, संत का बीज डाला हुआ खाली नहीं जाता, संत डारिया बीज जाहे घर धरनी जीव के, एक संस्कार दिया हुआ उन्होंने, एक ख्याल दिया हुआ है, एक इंजंक्शन दिया हुआ है, एक भाव दिया हुआ है, वो वक्त के बाद जिस तरह टीवी के जन्म प्लेग के जन्म असर कर जाते हैं जिस्म में, जब तक रेजिस्टेंस कायम है जिस्म की, वो बीमारी को मुकाबला करती है, जब कमजोर हो जाता है वो बीमारी आ घेरती है, ऐसे ही जब तक दुनिया की आशाएं हैं, दुनिया की तमन्नाएं हैं, गौतम ने नाम लिया हुआ है, अगर नाम देने वाला सचमुच कोई सच्चा हमदर्द हो था और उसकी नीयत में ये नहीं था अपनी बटोर संध्या या अपने नाम का, उसने हित दिया हुआ है, वो जो हित दिया हुआ है, मैं मिसाल दे रहा हूं, वो प्लेग का जर्म है, जब रेजिस्टेंस जिस्म की खत्म होती है तब फिर वो बीमारी आ जाती है,
एक जगह चोट लग जाती है ना जिस्म को, तो जवानी में तो उसको महसूस नहीं करता, जब बुढ़ापा आ जाता है तो हड्डियां कर कर करती हैं, दुखता है वो जगह। ऐसे ही ये संस्कार दिया हुआ वक्त पर जब रेजिस्टेंस कम हो जाती है, वो जो दुनिया की तमन्नाएं हैं, दुनिया की आशाएं जो हैं, ये कमजोर हो जाती हैं, फिर वो फल लाता है नाम लिया हुआ। इस वास्ते कहते हैं संत डारिया बीज गाहे खड़थरनी जी के। तुम देखो ना, जब संत नाम देता है वो करता क्या है, उसके दिल में हित होता है, जज्बा होता है कि ये आदमी अपने घर चला जाए, वो जो उसका हित है वो नामदान है, उसकी जो हमदर्दी है वो नामदान है, लफ्ज नामदान नहीं है। देखो ना, दाता ने मेरे नाम कितना हित किया, उन्होंने उनके शब्द मेरे नाम जो लिखे हुए पढ़ो, कितना हित से उन्होंने मुझको लिखा हुआ। नहीं समझ में आती है कि यह जगत नाटकशाला है। आगे ये काल और माया का खेल है, ये खेल होता रहता है। आगे गायत्री का राग गायत्री सैन बने का जाला, शंखनाद की धूम मची है डमरू शोर कराला। ये जो अंतर के शब्द हैं रारंग सारंग, ये सब हैं क्या, माया है, ये नाटकशाला है, सारी जिंदगी सत्संगी इसी में फंसते रहते हैं माया के चक्कर में। आगे रारंग सारंग बड़ी सरंगी दीन सितारे तो हाला, श्रुति धुन है उद गीत है वाणी ओम ओम का ताला। ये सब नाटकशाला है, माया है और काल है। आगे श्रोता गण सब रूप है सुख दुख मन से ताला। शब्द को सुनने के लिए साधन करेंगे सब ध्यान होते हैं कि नहीं होते, ये सारी की सारी माया है और काल है, नाटकशाला है। वो कहते हैं साधु जो होता है वो दृष्टा होता है, उसमें बेहाल नहीं होता, उसमें मस्त होकर के गर्क नहीं होता, उसको साक्षी के रूप में देखता है। आगे जिसने अपना रूप विसारा उड़ी उपजा दुख ताला, साक्षी देखे विमल तमाशा चित्रे सुखी सुखाला। हमारा रूप क्या है, कई कहते हैं अहम सत्यम अहम ब्रह्मम, हम मैं नहीं मानता, मेरा रूप क्या है, मैं एक छोटी सी सुरत हूं, उस अनामी धाम उस अकाल पुरुष की गति से यहां आई हुई हूं, इस माया के चक्कर में फंसी हुई हूं, ये निकलना चाहती है, क्या होना चाहती है, गुमशो दर्जाते असला ईवसालस, अपनी जात में गुम होना चाहती है। मैं ये तो मेरा अपना अनुभव था ना गुम होने का, दाता का पड़ोस करी को दम में वो क्या कहते हैं, यही दाता कहते हैं दम में दम के दम का मैं हूँ मैं माँ, दम ये दम के साथ है, दम मिले जाए दम 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 के हम दम हाथ है, सांस प्राणों
कोई जिस्मानी शांति चाहता है, कोई मानसिक शांति चाहता है, कोई आत्मिक शांति चाहता है। मेरे जैसे दीवाने संसार में आते हैं वो स्वर्ग की शांति चाहते हैं। तो ये जगत है नाटकशाला। अब मैं क्या करता हूं, इष्ट मेरा वो है राधा स्वामी धाम या अनामी धाम या जात मुतलक, मगर इस दुनिया में रहता हुआ तुम सत्संगियों की बदौलत दातादार की दया से मुझे यह ज्ञान हो गया कि ये जो कुछ था सब काल और माया का चक्कर था। इसको नाटकशाला समझ के इसमें फंसता नहीं। इसी का नाम बदे गति है, इसी का नाम जीवन मुक्त अवस्था है। अगली कड़ी है कोई? भूल भर में जो कोई आया सहे कर्म का भाला, रैन का सपना जग की लीला, सपना धन और माला। ये जितना दुनिया है मेरे वास्ते सपना ही है ना। उसको ज्ञान हो जाता है कि सब संसार जितना ये योग जंतर जो कुछ भी था ये ख्वाब है, है नहीं मगर भासता है। मुझको इसका यकीन नहीं आता था। दाता लिखा करते थे क्या है दुनिया, ख्वाब है और ख्वाब भी जाते खुशी, खुश नहीं माल धन वाले तलंगर और अमीर, तर्क दुनिया तर्क अकबा तर्क मौला कर दिया, तर्क का भी तर्क है अब तर्क से दिल भर गया। ये समझ में नहीं आता था कि ख्वाब दुनिया कैसी है। ये जो सूरज चांद सितारे हैं ये मेरा ख्वाब नहीं है। ये जो सूरज तारे तुम ब्रह्मांड देखते हो ये मेरा ख्वाब नहीं है, ये भगवान का ख्वाब है, काल का, काल पुरुष का, कर्ता पुरुष का ख्वाब है। मेरा ख्वाब था मेरी अपनी दुनिया जो मैं अपनी दुनिया बनाता था। इसका यकीन नहीं आता था। मैं जो कुछ रूप रंग मेरे अंदर मैं उनको सत्य मानता था नहीं मानता था। आज दातादार के रूप महाराज दातादार के दर्शन हो गए। जब तुम लोगों ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे अंतर जाता हूं, मैं नहीं था, तो मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे अंतर में जो बाबा वकील प्रकट हुआ वो था नहीं, तुम उसको महसूस करते थे। वो बाबा फकीर जो तुम्हारे अंतर या राम या कृष्ण या बाबा सावन जो कोई जो प्रकट हुआ तुम्हारे अंतर, वो दरअसल में बाबा फकीर नहीं था ना गुब्बारा था, वो तुम्हारा अपना ही ख्वाब था। इस तुम्हारी ही बदौलत मुझको ये यकीन हुआ कि वाकई ये सब दुनिया माया है। आगे आंख खुली कर कुछ नहीं दर्शा, गुप्त जो देखा भाला, आंख खुली तब कुछ नहीं दर्शा, गुप्त जो देखा भाला, राधा स्वामी संत रूप धरे आए, दिन बंद सुख जाला, प्रेम प्याला हमें पिलाया, सहज किया मतवाला। किसका प्रेम? राधा स्वामी दयाल का प्रेम। किसका प्रेम? अनामी पुरुष का प्रेम। किसका प्रेम? अकाल पुरुष का प्रेम। वो प्रेम का प्याला जो मेरे मैंने पिया, मैं वो कहता हूँ आपको। समझा? नहीं समझ में आती है आपके? अब तुम लोग आए सत्संग में, मैंने तो अपने कर्म भोग दिया, होश आती है सोचता हूँ तुम लोगों को क्या कहूँ। अगर तुम यहां जाना चाहते हो तो तुम में पहली बात कि आम पब्लिक को उस जगह के जाने की जरूरत नहीं है। इसी वास्ते मौज ने हमको इस दुनिया में जो लाए तो इस दुनिया में दुख और सुख पैदा कर दिया। काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं होश जीती। ये जो ट्रांजिटरी परिवर्तनशील दुनिया है ये इसी वास्ते बनाई गई इसको परिवर्तनशील, कि अगर इसको परिवर्तनशील ना बनाया गया तो दुनिया को यहां से निकलने का मौका नहीं मिलेगा। इस वास्ते
तुम पर हम पर कई मुसीबतें आती हैं, दुख आते हैं, मौत आती है, जिंदगी आती है। ये क्यों आती है? सिर्फ हमको हमारे घर का पता देने के लिए। मुबारक है वो आदमी जिसको इस संसार में कोई ना कोई कष्ट रहता, दुख दारू सुख रोग भया। हम सुख की ख्वाहिश करते रहते हैं, क्या कभी किसी को सुख मिलता? फिर इसका इलाज क्या? इसका इलाज है पतंजलि के योग शास्त्र में लिखा हुआ है, उस जगह के हासिल करने के लिए ये साधन करो, ये साधन करो, ये साधन करो, ये साधन करो। वो कहता अगर तुमसे कुछ नहीं होता तो किसी वीतराग पुरुष को अपनी खोपड़ी में रखो, किसी मायातीत को अपनी खोपड़ी में रखो, इस वास्ते किसी वदे पुरुष की संगत, वदे पुरुष को अपनी खोपड़ी में रखने से, उसकी लाभ रेडिएशन से, उसकी संगत से, उसकी वाणी से, वक्त पर तुम उस मंजिल पर पहुंच जाओगे। मैं तो यहां तक कहता हूं कि भाई अगर तुम को मायातीत नहीं मिलता कोई, तुम्हारा विश्वास नहीं बैठता, तो तुम जिस जगह लगे हुए हो उस रूप को मायातीत समझ लो, मान लो। तभी तो मैं कहा करता हूं जो गुरु को फकीर चंद वल्द पंडित मस्त राम होशियारपुर का बासी समझता है उसका बेड़ा पार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? उसके दिल में मायातीत पुरुष का विश्वास नहीं है, वो तो गुरु को फकीर चंद मस्त राम का लड़का और होशियारपुर का रहने वाला मानता है। इस वास्ते गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद, गुरु किया है देह को सतगुरु चीना न, कहें कबीर का दास को तीन ताप भरमा। तुमने जैसा गुरु के रूप में विश्वास किया हुआ है, कृषक ने मुझे जाते मुतलक माना, कामयाब हो गया। मैंने दाता के रूप में उस मालिक को माना, मैं कामयाब हो गया। तो गुरु आइडियल है, इष्ट है पढ़े लिखे आदमियों के लिए जिनके दिमाग हैं, नुक्ताचीन हैं, सवालों जवाब करते हैं, उनके लिए मेरा सत्संग बहुत फायदेमंद है। मगर जो इतने ऊंची बुद्धि वाले नहीं हैं, उनको मेरा सत्संग नुकसानदेह भी हो सकता है। मैं बड़ा साफ और सच्चा आदमी हूं, मगर मैंने इस राज को मसलतन खोला है। क्यों? मेरे जिम्मे ये ड्यूटी है, तू तो आया नरदेही में तर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगाकर ले जा गुरु के देशा, तीन ताप से जीव दुखी है निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान दे दानी, तेरा रूप है अद्भुत अचल तेरी उत्तम देही, जब कल्याण जगत में आया परम दयाल सुने। अच्छा, अब अगर मैंने क्यों इस राज को खोला, इसलिए कि इन रूपों रंगों में आकर के ये सारा संसार है तो माया का, वो लुट गए, वो लुट गए, लुट बेवकूफ बनाए गए, ये सब ये माया ही है तुम्हारी जो तुमको आजाद करती है, ये माया ही है तुम्हारी जो तुमको बंधन में फंसाती है। यही शास्त्र कहते हैं माया ही फंसाती है। अगर तुम्हारे दिल में सच्ची इच्छा है किसी चीज की, ये माया ही तुमको उस रस्ते फंसा देगी, और अगर नहीं है तो ये माया ही तुमको फंसा देगी। इसलिए मैंने इस राग को खोल दिया। अब समझते मेरे बालकों ने, तो किसी बीत राग पुरुष को अपने ध्यान में रखो,
उसकी वाणी सुना करो, उसकी किताबें पढ़ा करो, उसके ख्यालात को सोचा करो। तो इस तरीके से चलते रहने से हो सकता है, मगर सच पूछो। मैं इस नतीजे पर आया कि ये जीव के अपने बस में नहीं, जिस पर गया आद करता की वो ये नियामत पाए। मैं इस नतीजे पर आया हूं कि अगर इंसान ये चाहे कि मैं अपनी जबरदस्त, अगर ये ख्वाहिश भी उसकी किसी के अंदर पैदा होगी वो भी उसी की मौज से होगी, मौज मारे, समझते हो ना। मगर अगर इतना ही कह दिया जाए तो जीवों का उत्साह कमजोर हो जाता है, नहीं समझ में आती है। तो आज का सत्संग था, मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊंगा, मैं ऊंचा बोल गया, मैं जानता हूं, मगर ये मैं कह देता हूं, ये टेप रिकॉर्ड तुम करते हो, जो भी इन भाषणों को सुनेगा अगर उसके दिल में जर्म्स हैं रूहानियत के, इन भाषणों की समझ अगर किसी की खोपड़ी में आ जाएगी तो उसका जो सफर है वो कम हो जाएगा, उसको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ उसको फिर अपना अगर उसमें चाह है तो अपने अमल की ही ख्वाहिश रह जाएगी। तो आज मैं सत्संग खत्म करता हूं, सबको राधा स्वामी। से भी किसी को फायदा पहुंच सकता है, समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं समझ में आती है। जब जीव अपने ही विश्वास और श्रद्धा से मुझको बनाकर मुझसे काम ले लेते हैं, मैं तो होता नहीं, तो इससे ये भी साबित हुआ कि महारेक आदमी के मन की ताकत है। तो अगर कोई महात्मा जो इस मन का साधक है, जिसके अंदर अभ्यास का साधन है, वो अगर किसी के लिए कोई ख्याल दे, कोई उसके लिए शुभ संकल्प दे, तो उसका भी असर होना चाहिए। समझते हो ना मेरी बात को, ये ना समझना कि मैं, मगर जो महात्मा इस तरह के ख्याल से जो वो देते हैं किसी को फायदा पहुंच जाता है, वो अगर उसका मान करते हैं, ये अपने ऊपर क्रेडिट देते हैं, वो अपने महात्मा पने से गिर जाते हैं, उनका ख्याल फिर दोबारा असर नहीं करता। क्यों? यही औरत जिसने मुझको कहा कि बाबा, कहती है मैंने दूसरों को बता दिया कि बाबा जी फूल ले गए, अब वो कहती है बाबा जी तुम मेरे अंदर नहीं आते। क्यों नहीं आते? कि उसने उस खुशी में आकर उस बात को दूसरों को बता दिया। इस तरह से जो महात्मा जिनके शुभ संकल्प से किसी का कुछ बन जाता है, अगर वो खुशी लेते हैं और इसका प्रोपेगेंडा कराते हैं, उनके अंतर से वो ताकत वैसे ही चली जाती है जैसे इस औरत के अपने मन की ताकत जो फकीर चंद को बनाकर फूल ले जाती थी वो खत्म हो गई। मैंने जो कुछ कहा है ये वो राग हैं, ये वो सीक्रेट हैं जो आज दिन तक किसी महात्मा ने नहीं दिए। मैं देता हूं, इस वास्ते मैं कोई क्रेडिट नहीं देता किसी किस्म का, ना ऐसा प्रोपेगेंडा करने की अपने जो मुझे गुरु मानते हैं, अब तो मैं गुरु हूं नहीं उनकी। हो सकता है ये कि अगर कोई उनको क्या कहो, तुम शुभ भावना किसी की भी ले लो, गुरु की शुभ भावना तो तुमको भवसागर से पार करके सच्चा ज्ञान देना है, यह है गुरु की अजमत। बाकी जो कुछ तुमको मिलता है ये तो शुभ भावना किसी की भी ले लो, हर एक दे सकते हैं,
किसी दुखी की तो मदद कर दो, मुसीबत में है, जब उसके दिल से तुम्हारे वास्ते स्वभावे की शुभ भावना निकलेंगी, वो तुम्हारे हितकारी हो जाएंगे। मैंने अजमाया हुआ है, एक वैद्यराज मेरे पास जलंधर से आया, कहने का 12 साल हुए बाबा जी औलाद नहीं, क्या करते हो वैद्य? अच्छा, गांव में रहते हो? हाँ। दुखी को रात को किसी वक्त भी को आए, गरीब हो, उसकी मुफ्त इलाज किया करो, तुम्हारा लड़का हो जाएगा। उसने ये काम किया, 1.5 साल के बाद वो लड़का मेरी गोद में ले आया मास्टर मोहनलाल के मकान पर, सत्संग हो रहा था, मुझे तो भूल गया। बाबा आपकी क्या हुआ? बाबा जी आपकी गया है, हम इसका नाम रख दो, उसका नाम मैंने फकीर चंद दिया था। तो ये नहीं कि ख्याल की ताकत नहीं है, ख्याल की ताकत है, महापुरुषों का भी वचन काम करता है, ये ठीक है, मगर ये वचन वहां काम करता है जहां दूसरे के लिए दया उठती। दया दो तरीकों से उठती है, या किसी को कोई अजब दुखी देखता है जो दयावान होते हैं उनके दिल में स्वाभाविक दया उठती है, या किसी ने कोई सेवा की हुई हो उस वक्त भी ख्याल पर इस शख्स ने मेरी सेवा की हुई, मेरे साथ उपचार किया, इसको गुड विशेष बोलो। अपने आप हर शख्स की ये नहीं उठती, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये न समझना कि संत महात्मा गुड विशेष काम करती है, मगर संत का मार्ग ये नहीं है। संत तो जीवों को इस पवसागर से निकालते हैं, तो ये स्वामी जी कहते हैं पढ़ो संत, क्या लिखा है सत्संग से, सत बूंद सत सिंध तज आई दसवें द्वार, वहां से उतरी पिंड में बसे आए नौबार, संशय रोग भर मत रही क्यों करे उतरे पार, सतगुर संत दया करी आए धरे अवतार, बहु विधि अब समझावही मार्ग शब्द पुकार, काल बिछाया जाल अस गुप्त किया मत सार। अब काल ने जाल जैसे बताया था, स्वामी जी की वाणी से किसी की समझ में नहीं आता काल ने कैसा जाल बताया है। वाणी लिख गए वो सत, गाथा जाल भी सत लिख गए, कबीर भी सत लिख गया, मगर बात को इस तरह से बताया कि किसी की समझ में बात आई नहीं। आप दाता जाल की वाणी को पढ़ो, स्वामी जी की वाणी को पढ़ो, तुमको इसमें से मतलब निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसका सार समझने के लिए। मेरी वाणी को तुम सुनो, मेरे सत्संग को सुनो, मेरी तारीख को पढ़ो, मोती निकले हुए पहले मौजूद हैं, तुमको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, तुम उनको पिकअप कर सकते। मेरे तर्जे बयान में और दाता दयाल के तर्जे बयान में या स्वामी जी के तर्जे बयान में या और संतों के तर्जे बयान में ये फर्क है कि उन वाणी उनकी भी सत्य है, असत्य नहीं है, मगर तुमको उसमें से मेहनत करके चीज निकालनी पड़ेगी। मेरे लफ्जों से, मेरे तकरीर से, मेरे वाणी से तुमको मेहनत करने की जरूरत नहीं, मगर लुत्फ तब आता है जो आप मेहनत की हुई है, इसको मैं जानता हूं। पकी पकाई रोटी मिल जाए अच्छे 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 स्वाद, उसका इतना लुत्फ नहीं। अगर भूख लगी हुई हो, आप आटा गूंदो, लकड़ी लाओ, चूल्हे में आग बालो, तवा रखो, फिर पका के जब खाओगे वो कुछ और लुत्फ देगा। समझ में बात आती है कि नहीं? पक्की पकाई कल जब बाबा टल
जिनको कोई चीज मुफ्त मिल जाती है उसकी वो वैल्यू नहीं करते। हमने जीवन खोने के बाद इस चीज को हासिल किया है उसका लुत्फ उठाते। मैंने गलती भी शायद की है, इस राज को बिल्कुल खोल दिया, मगर मैं मजबूर था। अगर मेरे जमे ये जगत कल्याण की ड्यूटी न होती तो मैं शायद इस राज को न खोलता। समझते हो ना, मैंने तो अपना नुकसान किया। दूसरे जाओ ब्यास वालों के, तुम जाओ कितना रुपया बरसता है, बोरियां भरते हैं, और मुझे कोई खास और खास आदमी देते। बात को पर्दे में रखता, लूट से खा जाता तुम लोगों। आगे कड़ी कर्म भरम पाखंड का कीना बहुत पसा, विद्या रस ज्ञानी ठगे बाच के अति हंकार। ये मजहबी दुनिया का हाल है, अमली पहले को कोई नहीं आता। तो आज सत्संग मैंने शुरू किया था, वक्त क्या हो गया, 6 बजे शुरू किया था, पौने छह तो शब्द निकाला था अवगत नगर, पढ़ो वही अवगत नगर। अवगते पार न पावे कोई, अवगते नाम पुरुष को कहिए अगम अगोचर बासा, ताको भेद संत कोई जाने जाकी सुरत समोई। मैं अपने आप को जब संत कहता हूँ, परम संत कहता हूँ, अवतार कहता हूँ, तो आत्मा से पूछता हूँ, ओए बुद्धे इसलिए अहंकार करता है? अहंकार नहीं करता। मैं तुम लोगों को फेंक दे चला, राज दे चला, सीक्रेट दे चला, ताकि तुम लुटने से बच जाओ। गुरुओं के आगे नाक ना रगड़ते रहो सारी जिंदगी, उनके बर्तन ही न साफ करते रहो। जाल बाग में क्या होता है, आदमियों को लगाकर स्वागत दिया जाता है बजाय बैलों के। ये ख्याल दिया हुआ है गुरु की सेवा करोगे साथ लोग पहुंच जाओगे। अब जो महात्मा इस तरह से आदमियों से हल चलवाते हैं, उनको अज्ञान में रख कर जाएंगे कहाँ, कहाँ जाएंगे? क्या कहता हूँ मैं, जहाँ जगत के कल्याण के लिए उठा हूँ, वहाँ इन महात्माओं के कल्याण के लिए उठा हूँ। जीव को ये कहकर कि तू इतना रुपया देगा तब तू संत लोक में जाएगा, या मेरा मंदिर बना दे तब तू सतलोक में जाएगा, या मेरा हाल चला दे तब तू सतलोक में जाएगा, कहाँ जाएंगे ये महात्मा? मैं परम दयाल बन के दया का भाव लेके महात्मा साधुओं योगियों ज्ञानियों और गुरुओं की हिदायत करना चाहता हूँ, वो भी उनकी जो अपना उद्धार चाहते हैं। खुशी से प्रेम से हल चलाना कोई बुरी बात नहीं। अपने घर का काम हम आप नहीं करते हैं, मुश्किल से मुश्किल काम करते हैं, पार का पार सिर पर लाते हैं, ये जुर्म नहीं है। जुर्म ये है ये कह देना कि अगर तू बाबे फकीर को 10,000 रुपया देगा, उसके मंदिर के 2 कमरे बना देगा, तब तू सतलोक में जाएगा, ये गलती है। ये एक दुनिया को बेवकूफ बनाना है, और जो इस तरह से सेवा लेते हैं उनकी जिंदगी बर्बाद है। कर्म का फल कभी से कोई नहीं बच सकता। कर्म गति चारे नारे चरे, कोई भी हो, मैं हूँ, तुम हो, दाता दयाल हो, या कृषक हो, या स्वामी जी हो, या हजूर, कर्म के गति से कौन बच सकता है? खुशी से जो कोई सेवा करता है वो और चीज है,
माँ अपने बच्चे के लिए कितनी मुसीबतें सहती है और लायक लड़का अपने माँ के लिए कितनी मुसीबतें सहता है, वो पाप नहीं है मगर अज्ञान में रख कर ये धोखा है। तो अवगत नगर क्या है, संत बिना कोई भेद नहीं जानता। मैंने बहसियत संत सदगुरु वक्त जब मैं ये लफ्ज कहता हूँ मेरी आत्मा पर चोट पड़ती है। आत्मा को पूछता हूँ ओए बुढ़े हंकार करता है? नहीं। सदगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का, सच्चे भेद का, सच्चे राज का। गुरु ने अब दीना भेद अगम का सूरत चली चाहिए। मेरी ड्यूटी तुमको भेद देना है, राज देना है, सच्चाई बयान करना है, ताकि जो सचमुच मुतलाशी हैं उनको सीधा रास्ता मिल जाए। आगे अब कहते हैं चर जग से न्यारा, अब कहते हैं चर जग से न्यारा, दिव्या का न जाई। अब वो जो हालत है तुम्हारी अकाल गति की, जो तमाम जिस्मों से परे, वो अवस्था जो है जिसको पीरे मवान साहब गा रहे हैं, कुछ नहीं सब कुछ है यारो और सब कुछ कुछ नहीं, उसको तुम जुबान पर बयान कर सकते हो? तुम में ताकत है? तुम में क्या कबीर में अगर ताकत होती तो बयान कर जाता? किसी में ताकत नहीं। दैट इज ए स्टेट ऑफ स्टेटलेसनेस। वो हमारी जिंदगी की आद अवस्था है जहां हम आराम से थे, वहां हरकत हुई सूरत आई और इस 9-10 द्वारे में फंस गए। आगे वेद कहते पार नहीं पावे, भूल रहे नर लोई। कहते हैं कोई पार है, आरते और मर्द सब भूले हुए हैं। आगे अब कहते पुरुष चरा चर व्यापे, भेद न पावे कोई। चार वेद ब्रह्मा में भूले, याद नाम नहीं पाई। कभी कभी ये लफ्ज सुना करता था ब्राह्मण होने के कारण दिल को दुख लगा करता था। अब मैं कहता हूँ मजबूर, वेद नाम है अनुभव का, ज्ञान का, विचार का, समझ का। वहाँ तो समझ का काम ही नहीं है, वो तो तुम्हारी वो अवस्था है जहाँ सब कुछ तुम भूल जाते हो, अपने आप में आप आराम करते हो। आगे अब कहते नाम के अद्भुत महिमा, सुरत निरत से पाई। दास कबीर अमर परवासी, हंसा लोक पठाई। कबीर कहता है दास कबीर अमरपुर का वासी है, मैं हम अमरपुर से आए हैं, वहाँ हमारा आद है, जुगाद है, हम वहाँ से आए हैं। दास कबीर कहता है मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ से आया हूँ, हंसों को ज्ञान दे करके, बात बता करके उस देश में पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो आज का सत्संग मैंने खत्म कर दिया, आप लोगों ने 5-6 दिन मुझे यहाँ रखा, मौज थी, आप लोगों को 4-5 सत्संग दे चला। जिनकी किस्मत में है, जिनके भाग में है, वो इन सत्संगों को सुनेंगे। अगर अपना जन्म बनाना चाहते हैं तो बना जाएंगे, नहीं तो मेरे समय से जो ड्यूटी दाता ने लगाई, दाता आपने हुक्म दिया था तालीम को बदल जाएंगे। मैंने जो अनुभव किया अपनी जिंदगी में उसके आधार पर कहा। हो सकता है दोस्तों मैंने जो कुछ अनुभव किया हो या गलत हो, ये दावा करना कि जो कुछ मैं कहता हूँ यही ठीक है, कुदरत का राज तो किसी ने पाया नहीं। जितना जितना जो सफर किया उसकी समझ में जो जो कुछ आया
वो बयान कर चला। मुझे कोई दावा नहीं कि जो कुछ मैं कहता हूँ यही सच। अगर कबीर को ये बानियां लिखने का हक था, स्वामी जी को सार बचन नज़म लिखने का हक था, दाता दाल को 5,000 किताब लिखने का हक था, ऋषियों को वेद रचने का हक था, गुरु नानक को अपनी बानी कह के अर्जुन देव को ग्रंथ साहब के बनाने का हक था, तो भाई मैं भी एक आदमी हूँ जो दुनिया में आया 7 वर्ष की उम्र से उस मारे की तलाश करने के लिए निकला। जो कुछ मेरी तलाश का अंजाम हुआ, मैं भी हक रखता हूँ अपना अनुभव कह जाऊं। मैंने कह दिया झूठ सच का मुझे पता नहीं, सबको राजा पानी।